बाप एक ऐसा शजर है जिसके साए में बेटियां राज करती हैं। बाप अमीर हो या गरीब, बेटियों के लिए उनका बादशाह होता है। ना बंगला ना गाड़ी, ना ही कोई और आरज़ू। ऐ अल्लाह, सलामत रहे हर बेटी के लिए उसके बाप का बाजू। बाप जब तक जिंदा होता है, बेटी अपनी जिंदगी शहजादियों जैसी गुजारती है। मैं तो सिर्फ अपनी खुशियों में हंसती थी, पर मेरी हंसी देखकर कोई अपने गम भुलाए जा रहा था, और वो थे मेरे बाबा जाने। तुम्हें क्या मालूम, बाप ना हो तो बेटियां कैसे जीती हैं। एक बाप अपनी बेटी को सब कुछ खरीद कर दे सकता है, सवाए नसीब के। बेटियां कब बाप की उंगली छोड़कर अपने नसीब का हाथ थाम लेती हैं, पता ही नहीं चलता। सियाने कहते हैं कि अगर बेटियां नहीं होती तो बाप के जनाजे सनाटों में उठते। बाप का बाजू बेटी का सबसे बड़ा सहारा होता है। वो बाप ही होता है जो बेटियों के सारे नखरे उठाता है। ये जो शहजादी लेने आते हैं ना, कैसे समझे बादशाह का दुख। बाप बेटियों का ऐसा दोस्त होता है जिससे वो कभी भी और कुछ भी बांट सकती हैं, कुछ भी कह सकती हैं। बाकी जगहों पर सोचना पड़ता है। मुझको क्या मालूम बादशाह कैसा होता है। मेरा ख्याल है मेरे बाप जैसा होता है। बेटियां कुछ यूं सोचती हैं, बाबा मैं आपका हाथ छोड़ दूं, क्यों मेरी जान, आपके साए पे मेरा पांव आता है।